हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जश्न इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसआई का आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है और फर्स्ट फेज़ के जो डी वी हैं वो आज समाप्त हो चुके हैं आज है अट्ठाईस अप्रैल और आपके जैसे ही फर्स्ट फेज़ के जो डी वी पी टी हैं वो समाप्त हुए तो वैसे ही जो सेकंड फ़ेज़ है आपका डी वी पी एच टी का जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे वो एडमिट कार्ड सेकंड फ़ेज़ वालों के अभी रिलीज़ कर दिए गए हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसके अंदर जो डेट बताई गई है कि चार मई से अठारह मई तक जो है रविवार को छोड़कर दो चरणों में आठ जोनों पर जो है आपके डी वी पी एस टी कराए जाएंगे और मैं एक नोटिस या एक डेट बहुत वायरल हो रही है कि जिनके फेज़ फर्स्ट में फेज़ फर्स्ट में जिनका डी बी पी एस टी हुआ है उनका जो फिज़िकल है यानी कि उनका जो पी टी है फिजिकल है रनिंग है वो उनका चार मई को कराया जाएगा तो इस वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं हर चीज़ बहुत तेज़ हुई आंसर की आई आंसर की के कुछ आवर बाद ही इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया रिज़ल्ट जारी करने के बाद इन्होंने बहुत ही जल्दी डीवीपीएसटी की लिस्ट जारी कर दी फिर डी पी एस टी के इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर, कर दिए तो ऐसा हो भी सकता है कि आपकी जो रिज़ल्ट है आपका जो पी टी की डेट है वो चार मई को हो सकती है मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ इसलिए आपको मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ तो ये चार मई को आपकी हो सकती है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि कितने कैंडिडेट आपके ट्रेनिंग के लिए अलॉट होंगे ट्रेनिंग के लिए पास होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि तीस हज़ार से कम कैंडिडेट ही आपके जो है रनिंग के लिए पास किए जाएंगे क्योंकि बहुत से कारण हो रहे हैं सभी सेंटरों पर जो कैंडिडेट जो हैं डीवी के लिए जा ही नहीं रहे और कुछ कैंडिडेट के पास अपनी डिग्री नहीं है तो कुछ के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वजह से वो रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट जाएंगे ओवरऑल फ़ेज़ फर्स्ट के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल की तो फेज़ फर्स्ट के आधार पर अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो आप ये मान कर चलिए कि नौ हज़ार पाँच सौ चौंतीस आपकी वैकेंसी हैं तो इस पर आप मान सकते हैं दो पॉइंट दो या फिर दो पॉइंट तीन कैंडिडेट ही आपको ट्रेनिंग के लिए मिल पाएंगे और जिस प्रकार से गर्मी हो रही है पैंतालीस डिग्री जो है प्लस टेम्परेचर है तो सुबह हो या फिर शाम हो आपको रनिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि इतने टेम्परेचर में भागने का मतलब है कि टेम्परेचर भागते समय और ज़्यादा हो जाना यानी कि पचास प्लस डिग्री तक टेम्परेचर आपका जा सकता है जब आप भागेंगे और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आप इजीली 28 मिनट का जैसे समय है बॉयज़ के लिए और सोलह मिनट का जैसे समय है लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए आपने इजीली प्रैक्टिस कर रखी है क्योंकि देखिए जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो अपने कंफर्टेबल जोन में आ किक करते हैं आपका जब मन करेगा आप वहाँ पर रुक सकते हैं लेकिन जो फाइनल आपका पीटी होता है वहाँ पे आप रुकेंगे तो अपने लिए रुकेंगे क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हैं आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो अपना आपका जो बॉडी है शरीर है वो आपको कंफर्टेबल जोन में कि यहाँ पे भाग अब रुक जा थक गया अब ये कर अब ये कर तो इस तरीके से आप भागते हैं अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है टी को पास करने के लिए तो है तो आपका पास हो ही जाएगा लगभग छत्तीस हज़ार के अंदर से ये माना जा रहा है कि पच्चीस से तीस परसेंट कैंडिडेट जो हैं आपके डी बी पी एस टी में बाहर हो जाएंगे जैसा कि रोज़ तीन सौ कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है डी बी पी एस टी के लिए और उसके अंदर से लगभग लगभग तीस से पैंतीस कैंडिडेट या पच्चीस कैंडिडेट हमेशा बाहर ही हो जाते हैं किसी वो किसी ना किसी कारणवश तो वो या तो आते नहीं हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए कर दीजिए कीजिए गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए थैंक यू